अस्सलामु अलैकुम, एनलो उर्दू हाई स्कूल, गुजराती माध्यम, कक्षा 9, विषय हिंदी, कविता 10, भारत गौरव, कवि मैथिली शरण गुप्त। आज हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित कविता भारत गौरव पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने मैथिली शरण गुप्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी, कविता का गान किया था और आर्य कौन थे, उनकी क्या विशेषता थी, उनके जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस काव्य को पढ़ेंगे। आप भी किताब में मेरे साथ पढ़िए। मैथिली शरण गुप्त, जन्म सन 1886 ईस्वी, निधन सन 1964 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्रकवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के शिरोमणि पद पर प्रतिष्ठापित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरव गान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल सब में वे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में स्वर्गीय राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र किया है। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ। तो यहाँ पर भूलोक यानी पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, भूलोक वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है, तो प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। यहाँ पर हमें कवि कहते हैं कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। पुण्य लीला स्थल याने पवित्र क्रीड़ा भूमि, गौरव याने सम्मान प्रतिष्ठा, के वह स्थल कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है। वह स्थान वही है, कहीं है जहाँ फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ, कि वह स्थान कहाँ है कि जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी है। तो यहाँ पर भारत के गौरवशाली अतीत का चित्रण किया है, हमारी देश की जो महानता है उसे बताया गया है।
यहाँ पर हमें बताया गया है कि जिस पर संसार को गर्व है, भूलोक का गौरव, भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है। और वह स्थल कहाँ है कि जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी है। हिमालय के बारे में अगर हम कहेंगे, फैला मनोहर, मनोहर यानी मन को हरने वाला शब्द समूह है, मन को हरने वाला मनोहर, भूलोक पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, भूलोक। तो हिमालय नाम का पर्वत चारों ओर फैला है। इसके आसपास अगर हम देखेंगे, रेगिस्तान है, पर्वत है, और जो हिमालय की शोभा और बढ़ा रहा है। पवित्र गंगा नदी बहती है, जिसे देव नदी भी कहा जाता है। गंगा जल के प्रति लोगों की जो आस्था है आज भी कायम है, लोग उसे आज भी पवित्र नदी कहते हैं। गंगा का जल मोक्ष प्राप्त करने वाला है। पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान में इसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो हिमालय पर्वत है वहाँ, और जो पवित्र गंगा नदी जहाँ बहती है वहाँ पर यह भूलोक आया हुआ है, यानी पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, जहाँ पर हमारे मनस्वियों और हमारे ऋषि मुनियों ने पवित्र त्रिदा भूमि, यानि जहाँ पर सब हमारे जो पूर्वजों ने यहाँ पर त्रिदा की थी, वह स्थल कहाँ है तो जहाँ पर हिमालय पर्वत है और जहाँ गंगा नदी बहती है वहाँ पर है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है? दुनिया में कई देश है, दुनिया के सभी देशों में सबसे ज़्यादा अगर उन्नत देश है, उत्कर्ष यानि उन्नति, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन? भारत वर्ष है। कि यहाँ वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारत वर्ष है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है, भूलोक का गौरव, भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है, हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है, भारत ऋषियों की भूमि है, संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश की हुई थी। तो यहाँ पर हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियाँ है, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल हमें यहाँ कहा गया है। आगे पढ़िए, पुण्य का मतलब है पवित्र, इसका विरुद्धार्थी शब्द अगर हम देखेंगे तो पाप। आगे पढ़िए, हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि तो पहले यही विस्तार है। कि यहाँ पर वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, सिरमौर यानि सरदार, श्रेष्ठ। हाँ यह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, तो प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। वृद्ध का विरोधी शब्द नूतन, तो यहाँ पर वृद्ध का विरुद्धार्थी शब्द युवा, और ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है, तो पुरातन का विरुद्धार्थी शब्द नूतन और वृद्ध का विरुद्धार्थी शब्द युवा। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, तो यहाँ पर भवभूति यानि संसार का वैभव, कि वैभव के जो स्थान है वह सबसे पहले कहाँ बनाए, तो इस देश में यहाँ पर ही बनाए। भंडार यानि खजाना, उनका प्रथम संग्रह यानि भंडार इसी देश में हुआ। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान है सबसे पहले भी इस देश में ही बनाए,
और उसका जो प्रथम संग्रह, प्रथम जो भंडार है, इसी देश में हुआ। विधि ने किया भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि को, नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो ब्रह्मा ने जब मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया। भारत संसार का सबसे पुराना देश है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यहीं पता चला। मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से हुआ। सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। भवभूतिता या प्रथम भंडार मतलब भवभूतिया यानी अर्थात संसार के वैभव के उपकरण, जो हमारे पास आज वैभव के उपकरण यानी जो साधन है, सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने ही पता लगाया। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यहीं विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यहीं से प्रारंभ हुआ। यही बात हमें कवि इस पंक्ति में बताना चाहते हैं। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। पुण्य भूमि मतलब पवित्र भूमि, कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? कि क्योंकि इस देश के निवासी कौन थे? आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य थे, उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। विद्या यानी कैसी विद्या? प्राण विद्या, इंद्रजाल, तंत्र, मंत्र, संजीवनी, सामुद्रिक, अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या आदि विद्याओं का ज्ञान हमें सबसे पहले आर्य ने ही दिया। कला यानि भाषा, लेखन, नाटक, गीत संगीत, तमाशा, चित्रकला, नगर निर्माण, पाक कला, सोने चांदी, हीरे मोती की परत आदि अनेक कलाओं का जन्म यहाँ हमारे देश में ही हुआ है, जिसके प्रथम आचार्य, आचार्य यानि शिक्षक, आदर्श आचार को आचरण में लाने वाले जो थे कौन थे? आर्य थे। तो उन्होंने ही विद्या, कला, कौशल का हमारे देश में निर्माण किया है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, आज बुरी दशा में है, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। उच्चता यानि महानता, श्रेष्ठता, कि यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे, उन्होंने ही संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया। हम उन्हीं आर्यों की संतानें हैं। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद है। आर्यों के उच्च चरित्र के बारे में भी हमें यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़ गई है। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे कभी भी भूले नहीं हैं।
आगे बताया गया है। यहाँ पर हमें चित्र दिए गए हैं आर्य, वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी। कि यहाँ पर वे आर्य ही थे, हमें बताया गया है कि वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। वे स्वार्थरथ यानी केवल अपना ही लाभ देखने वाला, उसे स्वार्थी कहा जाता है। तो यहाँ पर केवल अपना ही लाभ कौन नहीं देखता था? आर्य। वे स्वार्थ में रत होकर मोह की मदिरा, मदिरा यानि शराब कभी पीते नहीं थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे। निश्चेष्ट यानि निष्क्रिय, चेष्टा रहित होकर किस तरह वह बैठ सकते थे कभी? फिर भी वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे, क्योंकि उनका जन्म केवल संसार का उपकार करने के लिए ही वे जन्म लेते थे। तो यहाँ पर आर्य ऊंचे आदर्शों के साथ जीवन जीते थे, परोपकार ही उनके जीवन का उद्देश्य था। दूसरों के लिए जीने में ही वे अपने जीवन की सार्थकता मानते थे। स्वार्थ की भावना से वे कोसों दूर थे, वे कर्मवीर थे। निष्क्रिय होकर बैठना वे नहीं जानते थे। तो यहाँ पर आर्यों के उच्च चरित्र की प्रशंसा गुप्त जी ने की है। इस प्रकार इस काव्य का सारांश अगर हम देखेंगे तो यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य है, भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ ही विद्या कला कौशल का जन्म हुआ है। पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी आर्य थे। विद्या और कला कौशल सब में वे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में स्वर्गीय राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत का अतीत का शानदार चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आपको शब्दार्थ और टिप्पणी अपनी कॉपी में लिखना है, कविता का लेखन करना है और इसका स्वाध्याय भी अपनी कॉपी में लिखना है। अगले वीडियो में हम इकाई 11 पर पढ़ेंगे एक यात्रा, यह भी। तब तक आपको इस कविता का स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखना है। अब तक हमने जो भी पढ़ा, आपको सभी स्वाध्याय अपनी कॉपी में पूर्ण करना है। जैसे ही आपको वक्त मिले, हिंदी की कॉपी में सभी इकाई सभी कविता का स्वाध्याय आपको लिखना है। धन्यवाद।